हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो में आज का टॉपिक है बेन टॉप बार का कटिंग लेंथ, कैसे उसका कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे और उसका स्लोप कितना डिग्री में होता है, क्रैंक भी बोल सकते हैं। तो आइए टॉपिक के पास चलते हैं। यह हमारा 16 mm स्टील हो गया और ये 45 डिग्री में बेंड है इसका स्लोप। स्लोप को निकालने के लिए तरीका, उसका फॉर्मूला ये वाला है 1.414 इंटू 30 cm। मतलब इसका हाइट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट है। तो यहाँ पर हाइट हम दे दिए हैं इक्वल टू 42.42 cm हो रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, पूरा जोड़ेंगे, पूरा इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करके जैसे ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, और 42.42 एक तरफ ये हो गया, एक तरफ ये हो गया, दो बार लिख दिया हूँ मैं, दो बार 42.42 प्लस 42.42 इजकल टू 80 cm हो रहा है। टोटल इतना हो गया। ये सब जोड़ने के बाद इसमें बेंट ऑफ बार में एक बेंड हो, चार बेंड होता है, चार बेंड हो गया। तो 16 इंटू 4 मतलब ये कि 16 mm का डाया हो गया, तो चार बेंड में 4 16 ख़त्म हुआ, माइनस हो गया, तो 6.4 cm होता है। चार बेंड में 6.4 cm होता है। इसको फिर हम दोबारा लिख दिए हैं यहाँ पर 3 meter 84.84 माइनस 6.4 इजकल टू, ये माइनस हो गया इसमें से, टोटल में से माइनस हो गया। तो 3 meter 78 cm 44 point होता है। ये टोटल हमारा, इसका टोटल हमारा जो है इसका कटिंग लेंथ में से आंसर हुआ। इस कटिंग लेंथ में इतना बार, इतना बेंडिंग जो है क्रैंक बार का, ये पूरा हो जाएगा। और ये 45 डिग्री में बेंड हुआ है। क्रैंक दो बार, दो तरह का होता है, एक 45 डिग्री में बेंड होता है, एक 30 डिग्री में बेंड होता है। तो ये वाला बेंडिंग जो है हम 45 डिग्री के हिसाब से बना करके वीडियो में दिखा रहे हैं। क्रैंक बार भी बोला जाता है। तो दोस्त, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए इस मैसेज के साथ कि वो आदमी खुशनसीब वाला है जिसके सर पर माँ बाप का साया है। थैंक ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।